हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा तुलसी का पौधा है। आप सभी लोग तुलसी के पौधे को अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ लोग नहीं तुलसी माता, कुछ लोग तुलसी मैया और कुछ लोग तुलसी माँ भी बुलाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं तुलसी के पौधे में ये जो फूल लग गए हैं इन्हें हटा के दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी बात तुलसी है और उसमें फूल लग गए हैं तो आप उन्हें किस तरह से हटाएंगे आज मैं आपको बताऊंगी। और ये फूल हटाना क्यों ज़रूरी है ये भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं ये घनी तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसे और भी घना बनाऊँ। और अगर आपको और भी घना बनाना है, आपके पास भी है, आपको और घना बनाना है, दिखाना रहता है तो देखने में खूबसूरत लगता है, तो आप जब भी इस पर फूल आए तो आप इन फूलों को हटा दीजिए। आप इस तरह से फूलों को हटा दीजिए, क्योंकि जब तक आप फूलों को हटाएंगे नहीं तब तक ये घना नहीं बनेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि इसकी सारी एनर्जी बीज बनाने में चली जाएगी, तो फिर ये और ज़्यादा पत्तियाँ नहीं दे पाएंगी। सिर्फ तुलसी ही नहीं फ्रेंड्स, बल्कि ऐसे और भी पौधे होते हैं जो अपनी पत्तियों के कारण ही पहचाने जाते हैं, अपनी पत्तियों से ही वो खूबसूरत दिखते हैं, उन्हें फूल की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर उनमें भी फूल लग गए हो तो आप उन्हें भी हटा सकते हैं, उनके फूलों को। इस तरह से अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं। और अगर हमारा फूल वाला कोई पौधा है और वो बहुत छोटा है, उसकी डेवलप नहीं हो पाई है, तो आप उनके फूलों को भी हटा दीजिए। अगर आप एक दो फूल लेके खुश होना चाहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन बाद में आपको फिर निराशा मिलेगी, क्योंकि फिर वो एक दो फूल देके ही रह जाएंगे, ज़्यादा फूल आपको नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, जब भी किसी चीज़ का अच्छी तरह से विकास नहीं होता है तो वो फिर अच्छी चीज़ नहीं दे पाता है, अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो उसी तरह से पौधों के साथ भी होता है। तो इस तरह से आप सारे फूल इनके तोड़ के या कैंची की मदद से काट के भी निकाल सकते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे फूल तोड़ के निकाल दिए हैं, अब आप देख पा रहे होंगे इसमें फूल नहीं नज़र आ रहे हैं, ये देखिए इसमें फूल नहीं नज़र आ रहे हैं कहीं भी। अब ये और भी घना हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे फूल तोड़ के निकाले। तो अगर आपके पास भी है तुलसी का पौधा तो आप उसमें से फूल निकाल सकते हैं, या कोई और भी पौधा ऐसा है जो पत्ती वाला है उसमें फूल लग गया है तो आप फूल को इस तरह हाथ से तोड़ के, अगर हाथ से ना टूटे तो आप कैंची की मदद से भी निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि तुलसी को आप कहाँ रखना है। तुलसी को वैसे तो लोग कहीं भी रख देते हैं, लेकिन इसे अगर आप ज़्यादा धूप में रखते हैं तो ये जल्दी सूखने लगती है। इन्हें बहुत ज़्यादा कड़ी धूप की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें आप जहाँ छनी हुई रोशनी आए वहीं ही रखिए, इनके लिए इतनी रोशनी पर्याप्त होती है। और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, साथ ही साथ अगर इसके पास से आप गुजर रहे हैं तो ये महकती भी बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इनके कई सारे लाभ हैं। और हमारे घर में तो इनकी पूजा भी होती है। आप सभी